हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफ ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि पहली बार में नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हुआ फार्मर्स रैली में, वो बहुत अफसोसनाक था। मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। फार्मर अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हक उनका जो प्रोटेस्ट करने का है, जो एहतजाज करने का है या विरोध करने का है किसी कानून का, ये मैंने, वैभव सिंह ने या डिफेंसिव ऑफेंस ने तो उनको दिया नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको हक देता है, उनका पूरा हक है। लेकिन एक फ़र्ज़ भी चीज़ होती है और मुझे लगता है कि ये फार्मर रैली जो आज हुई है, जिसमें ट्रैक्टर ये लाल किले के ऊपर घुसने की कोशिश करी, कुछ घुस भी गए और पुलिस के साथ मारपीट, बहुत बुरा सलूक करा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नाउ ऑल बेट्स आर ऑफ। देखिए, कोई शहरी ये नहीं चाहता कि पुलिस के साथ ऐसा हो, और अगर हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। इनकी फ़ोटोज़, इनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई डील नहीं होनी चाहिए, सरकार कोई डील करे कि अमन और शांति हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि हमें एक बात समझनी चाहिए, अगर फार्मर्स का कोई दुख है तो सरकार के साथ बैठें, डील करें सरकार के साथ, बोलें कि साहब ये तीन कानून हैं और इसमें ज़रा लाइन बाय लाइन चलते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं हम सॉल्व कर देंगे, कहानी ख़त्म हो गई, आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बोला नहीं सर, अब तो तीनों के तीनों रूल वापस होंगे, कानून जो हैं वापस होंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको ट्रैक्टर चढ़ाना है लाल किले में, दोबारा चढ़ा दो, तिबारा चढ़ा दो, पूरे साल ट्रैक्टर चढ़ा के रखो, अभी नहीं होंगे वापस। उसका कारण है कि ये पूरा जो एक चीज़ है ना, अन्नदाता अन्नदाता, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है ये अन्नदाता वाला जो फार्मूला आप लोग चला रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। एक लेवल पे ठीक है, बड़ी इज्जत करते हैं, जवान और किसान की इज्जत क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप हमें खाना देते हैं, लेकिन आपको भी ये बात समझनी है कि जो उपद्रवी इसके बीच में आए, जिन्होंने खून खराबा करा दिल्ली में, तोड़फोड़ करी, फिर ये कहना कि साहब वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, ये बाहर से कुछ एलिमेंट आ गए, तो ये तो बहुत पहले से हम कह रहे थे इसके बीच में खालिस्तानी आ रखे हैं, ये बहुत पहले से बात हो रखी थी इसमें प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स आ रखे हैं, ये तो आपको पहले पता था। पर जब लोग ऐसा कहते थे तो आप मीडिया के ऊपर चढ़ देते थे, ये कहते थे साहब मीडिया झूठ बोल रहा है, कोई प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट नहीं है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब किसान हैं इसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सब किसान हैं और सब बिल्कुल शांतिप्रिय हैं तो लाल किले के ऊपर कौन चढ़ दौड़ा? ये सोचने वाली बात है। ये जो सिंपथी थी आप लोगों के लिए, दिल में जगह थी सब लोगों के लिए, वो दिल की जगह खत्म हो गई, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया कि कुछ पैसे की लालच में आपने जो पूरा आंदोलन था, जिसको मैं आपसे अग्री नहीं करता, पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो पूरा किसान आंदोलन है, ये जो पूरा आप लोग सिंघू बॉर्डर और जगह यूपी गेट वगैरह में बैठे हैं, मैं आप लोगों से अग्री नहीं करता, लेकिन एहतजाज करने का हक, प्रोटेस्ट करने का हक, ये आपको ना गौरव आर्य ने दिया, ना वैभव सिंह ने दिया, ना डिफेंसिव ऑफेंस ने दिया, ये हक आपको दिया है भारत के संविधान ने, और हम भारत के संविधान की इज्जत करते हैं, और आपको पूरा हक है, हमें पसंद आए ना आए उसकी जीरो वैल्यू है, आपको पूरा हक है करने का, लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें और पुलिस वालों को अटैक करें। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि सर आपकी 303 सीटें हैं, आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी है, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया वॉन्ट अ स्ट्रांग गवर्नमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई शाहीन बाग वाला हमारे सर पे पिस्तौल रख दे और फिर कोई सिंघू बॉर्डर पे हमारे सर पे पिस्तौल रख दे, यह नहीं हो सकता। If you think that India is an emerging superpower, let's start behaving like one. ये ठीक है, फार्मर्स की हम बहुत इज्जत करते हैं, उनका पूरा हक है, मैं फिर से कह रहा हूँ उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ये गलत है, ये ट्रैक्टर लेके लाल किले पे चढ़ जाना और ये सब जो नौटंकी आज दिल्ली में हुई है, ये बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है और बहुत दिल को ठेस पहुँची है। और बहुत लोगों में, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों में गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और ये जो पूरी चीज़ बनाई है ना कि किसान हमारा अन्नदाता, अब ये मामला इसके अंदर से हवा निकल गई। अब लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, बात मैं नहीं कह रहा, ये लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग, और मैं आपको कमेंट्स अभी भी आपको पढ़ के बता सकता हूँ, इसके अंदर कितने कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया में, आई कैन टेल यू पीस बाय पीस। कहते हैं लोग किसान कोई एहसान नहीं कर रहा, ये बोल रहे हैं लोग आजकल, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, लोग कह रहे हैं क्या कौन सा अन्नदाता, कौन सा किसान, फ्री में दे रहा है क्या, फ्री में दे रहा है, पैसे दे के खरीदते हैं, कोई अन्नदाता नहीं है, ये कोई अन्नदाता नहीं होता जो वहाँ पर जाके तोड़फोड़ करे, ये लोग बात पहले नहीं कह रहे थे।
ये जो लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैं इनसे डिसएग्री करता हूं, मैं अभी भी किसान की इज्जत करता हूं, अन्नदाता मानता हूं किसान को, लेकिन आप लोगों ने, और ये मैं किसान भाइयों से कह रहा हूं, आप लोगों ने कैसे ये अलाउ करा, ये कैसे अलाउ करा कि आपके बीच में उपद्रवी आ जाए, खालिस्तान के ये खालसा एड और सिक्स फॉर जस्टिस, ये लोग कैसे बीच में आ गए आपके, आपने कैसे अलाउ करा उनको? अगर आपको भारत की सरकार के खिलाफ कुछ था और बोलना था, आपका पूरा हक है, आप बोलते, आपने कैसे अलाउ करा? अब इसकी जिम्मेदारी आपके भी सर पे आएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपके सर पे कोई कानूनी जिम्मेदारी आएगी, वो आए ना आए, वो इट इज़ नॉट फॉर मी टू से, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर आएगी कि नहीं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी की नज़र में अब ये जो पूरा किसान आंदोलन है, आज के बाद ये एक उपद्रवियों का आंदोलन बन चुका है, जिस तरीके से जो 12 बजे के बाद जो हरकतें आज हुई हैं दिल्ली में। खैर, अब लेटेस्ट खबर ये है कि साहब वो पुलिस वाले और उनके बीच में सुलह हो गई है, और आपस में ये जो सरकार अभी है हिंदुस्तान में, ये कोई पाकिस्तान जैसी सेलेक्टेड सरकार नहीं है, ये लोगों ने चुनी है, ये आम जो हिंदुस्तानी है उसने वोट दिया है, और फिर इस सरकार को, ये जो लोकसभा में बैठे हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जनता के नुमाइंदे हैं। आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप जोर से अपनी मांगें उनके सामने रख सकते हैं, ज़रूर रख सकते हैं, आपका हक है पूरा, और यह हक आपको संविधान देता है, लेकिन आप उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आज 5-6 हज़ार लोग हैं जो यहाँ पे दिल्ली यूपी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लॉज वापस लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहिए 370 और 35 से वापस करवाने के लिए, कितने लोग चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? आ जाओ, घेर लो दिल्ली, बोलो 370 35 से वापस करो, है ना? आपको CAA वापस करवाना है, ले आइए 50,000 लोग, ब्लैकमेल करिए सरकार को, यही करना है कि ऐसे ही चलेगा देश? सोचिए आप इस देश का क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमें तो जब ये पता लगा कि कर्नल बाबू को महावीर चक्र मिला है गलवान के लिए, तो हमें कितनी खुशी हुई। एक वो है जवान जो अपनी जान गंवा रहा है बॉर्डर पे, वो किसान है जो खेतों में मेहनत कर रहा है और हमारा पेट पाल रहा है। हम दोनों को नमन करते हैं, दोनों को बराबर का नमन करते हैं, लेकिन कुछ जो उपद्रवी आपके बीच में आ गए हैं, उन्होंने आप लोगों की नाक कटवा दी है, और ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो एक अखड़पना है कि सब नहीं, सरकार तीनों के तीनों कानून वापस लेगी, सरकार ने तो ये भी बोला कि 1.5-2 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। आपने बोला नहीं, आपको लगा कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, अब तो पूरे फतेह का झंडा लहराएंगे, ऐसे नहीं होता। जिस दिन इस देश का मूड खराब हो गया और देश ने मुंह मोड़ लिया, तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक के किसान कहां हैं भाई? महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड होते हैं, लोग सल्फास खा के मर जाते हैं, अपनी जान दे देते हैं, फांसी लगा देते हैं, क्योंकि लोन वापस नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के किसान कहां हैं? छत्तीसगढ़ का किसान कहां है? उत्तर प्रदेश का किसान कहां है? उत्तराखंड का किसान कहाँ है? कश्मीर का किसान कहाँ है? मणिपुर का किसान कहाँ है? नागालैंड का किसान कहाँ है? गुजरात का किसान कहाँ है? राजस्थान का किसान कहाँ है? बताइए, गोवा का किसान कहाँ है? कहाँ है? क्या और जगह खेती नहीं होती? खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में होती है, और पूरे देश में खेती नहीं होती? ये तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में और किसी को परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, कहीं पर खेती नहीं हो रही। खेती सिर्फ पंजाब और हरियाणा के एक छोटे से इलाके में हो रही है, और कहीं इस देश में खेती नहीं हो रही। भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केरल का किसान कहां है? कहां बैठा है केरल का किसान? क्या केरला में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं? कर्नाटक में हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, तेलंगाना में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं? भारत के कौन से राज्य में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप ये बताइए। लोगों के दिमाग में ये सवाल हैं, और आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इनके जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। और इस बार ये मत कह दीजिएगा कि अगर तुमने सवाल पूछा तुम्हारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, ऐसा होता नहीं है। तो मैं सरकार से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि सर, लोगों ने चुना है एक स्ट्रांग लीडरशिप, ठीक है सर, सबको हक है, और फार्मर्स जो बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, ठीक है, हम लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ है, हमें दिक्कतें हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भाई हमारे, उनका पूरा हक है सर प्रोटेस्ट करने का। लेकिन ये दिल्ली के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना, ये सब सर, ये वी एक्सपेक्ट वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ये आप इसको ये पाकिस्तान का ट्रेलर हम लोगों को दोबारा ना देखने को मिले,
ये मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं किसान भाइयों से एक और आग्रह करना चाहता हूँ, एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ किसान भाइयों से। जब आपकी रैलीज में खालिस्तान के पोस्टर और खालिस्तान के झंडे लग रहे थे, तब आपने नहीं सोचा कि देश विरोधी है ये चीज़? खालिस्तान के झंडे लगाना, देश के टुकड़े करने की बात करना, आपको अच्छा लगता था क्या? आपने पिछले 3 महीने में या 2 महीने जब से आपकी प्रोटेस्ट चल रही है, यह एहतजाज चल रहा है सरकार के खिलाफ, क्या आपने एक इंसान को पकड़ के, एक बंदे को पकड़ के आपने पुलिस थाने में ले गए कि हमारे यहाँ माहौल खराब कर रहा है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं हैं? आपने ऐसा नहीं करा। आपने मीडिया वालों को तो वहां से भगा दिया, जो कवर कर रहे थे उनको तो भगा दिया, लेकिन खालिस्तानी झंडे आपने नहीं उतारे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी चौखट पे आके भी ये जो दाग है ये लगेगा, कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं और लोग बहुत बुरी चीज़, मैं उनसे अग्री नहीं करता, मैं फिर कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे लोग आपके खिलाफ कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी बात समझता हूँ। जैसे आपको बोलने का हक है, वैसे उनको भी बोलने का हक है, वो भी भारत के नागरिक हैं और उनको बोलने का हक है। जहां तक प्रोटेस्टर्स की बात है, वही चेहरे, वही शाहीन बाग के चेहरे, वही CAA NRC के चेहरे, वही आपके हर जगह वही झोला पहन के, वही कुर्ता पाजामा पहन के कुछ चंद चेहरे हैं बॉलीवुड के, कुछ चंद चेहरे हैं पॉलिटिशियंस के, सोशल वर्कर के, ये प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी बाहर से फंडिंग आती है और ये पहुंच जाते हैं। क्या आपने उनको निकाला? आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया वहां पर, आपने बोला आइए स्वागत है आपका, क्योंकि आपको लगा कि बड़े बड़े नाम हैं, फेमस नाम हैं, मीडिया यहां पे आएगा, आपको पब्लिसिटी मिलेगी। लाल किले जहां से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को स्पीच देते हैं, लाल किले के अंदर ट्रैक्टर घुसा दिया लोगों ने। फिर आप बोलेंगे साहब वो तो हमारे में से नहीं थे, आपके में से नहीं थे तो कौन थे? वो ट्रैक्टर लेकर आए थे, आपके में से नहीं थे। आपने पहले दिन से ही कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि आप अपनी ताकत के नशे में चूर हो गए थे। आपको लगा कि बस अब तो दिल्ली फतह कर लेंगे हम। हो गई फतह दिल्ली? हो गई फतह दिल्ली? अब चुपचाप वापस चले जाएंगे सिंगू बॉर्डर, फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद वापस चले जाएंगे अपने गांव। क्या हासिल होगा आपको? आज की तारीख में सरकार ने जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है ना थर्मामीटर, उस थर्मामीटर ने सरकार को पता लग गया आज के बाद कि कितना टेम्परेचर ऊपर जा सकता है और क्या कर सकते हैं आप लोग। और आज के बाद जो होगा फिर वो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ ही जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अब सरकार को पता लग गया, मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं, अब उनको पता लग गया, अब आप करते रहिए। जयपुर हाईवे ब्लॉक करना है, कर दो, 10 साल के लिए कर दो, 20 साल के लिए कर दो। मैंने आज तक नहीं बोला किसी टीवी डिबेट पे, रिपब्लिक टीवी पे नहीं गया बोलने के लिए आपके खिलाफ या आपके पक्ष में, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को करना, आपका कानूनी हक है भाई, आपका संवैधानिक हक है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला, मेरी क्या औकात? मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। लेकिन आज मैं बोलने पर मजबूर हूं क्योंकि लाल किले पे आपने सोचा नहीं, ये देश आपको यहां पे बैठाता, कहता है मेरे अन्नदाता हैं ये, और आप लोगों ने ऐसा अलाउ कर दिया, आपने ऐसा परमिट कर दिया। आप लोगों ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, क्यों नहीं पकड़ा उन लोगों को जो खालिस्तानी थे, इनकी टांगें क्यों नहीं तोड़ी खालिस्तानियों को, इनको अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया मार मार के? जो खाकी में हमारे भाई हैं पुलिस, उनके ऊपर आप तलवार लेके दौड़ सकते हैं, लेकिन खालिस्तानियों के पीछे आप नहीं दौड़े तलवार लेके। तो साहब अगर आपने पुलिस पे हाथ उठाया है, वो पुलिस, आप पुलिस पे हाथ उठाया, पुलिस को मारा, इससे देश में रोष नहीं है, देश में इसका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं असली बात क्या है दोस्तों, असली बात यह है कि जो वर्दी पहना है ना पुलिस वाला, वो भारत का प्रतीक है। आपने पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाया, आपने भारत के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए लोग गुस्सा हैं। एनी यूनिफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट, कोई भी वर्दी होती है ना वो राष्ट्र का प्रतीक होती है, उसका सिंबल होती है। और इस वर्दी पे जब आप हाथ उठाते हैं तब लोगों में गुस्सा आता है। जो फौजी हैं, जो हमारे गलवान के शहीद हैं, क्यों हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है? वो वर्दी के लिए इज्जत है, वो वर्दी के सामने पूरा देश नमन करता है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं वर्दी के आगे, यही कारण है। आपने वर्दी पे हाथ उठा दिया आज, और फिर आप बोलेंगे कि हम मासूम हैं और हमें पता नहीं था। कैसे नहीं पता था आपको? हमें पता था, हमने इमेजेस देखी हैं, हमने मीडिया में देखा है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है ये खालिस्तान के झंडे लेते हुए। आपने तो नहीं उतरवाया ट्रैक्टर्स के ऊपर खालिस्तान के झंडे, और ये अजीबोगरीब जीप्स मॉडिफाई करके फूहड़ किस्म की,
चौड़े चौड़े टायर लेके, उसके ऊपर म्यूजिक बज रहा है और खालिस्तान के झंडे, ये कहाँ से, ये कैसी आपने उनको परवरिश दी है, ये किसने सिखाया ऐसे लड़कों को ऐसे नंगा नाच करने का सबके सामने? अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उसके नतीजे होंगे, ये आप ही को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि आप ही ने अपने बीच में, मैं आपको इस चीज़ का दोष नहीं दे रहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपका संवैधानिक हक था ये सब करने का, लेकिन आपने ऐसा एक माहौल बनाया जिसकी वजह से ये हुआ, आपने परमिट करा, आपने उसकी अनुमति दी है, यही आपकी गलती है। आपने उसकी अनुमति दी, आपके सामने भिंडरावाले के पोस्टर लगे, आपने पोस्टर नहीं फाड़े, आपके सामने खालिस्तान के सो कॉल्ड खालिस्तान का कोई झंडा नहीं है, वैसे कोई फॉर्मल झंडा नहीं है, सब बकवास करते हैं ये, लंदन में 15 टैक्सी ड्राइवर्स मिलकर खालिस्तान का मूवमेंट चला रहे हैं, कनाडा में 7-11 में जो काम करते हैं वो 10 कोई एयरपोर्ट में काम कर रहे हैं, ये सब ऐसे लोग हैं, 4-5 ग्रुप हैं इनके, जिनको पाकिस्तान पैसे देता है और ये बड़े खुश हो जाते हैं, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, यहाँ पे आपने मना करा किसी को, आपने इनके पोस्टर फाड़े, आपने पुलिस के हवाले करा इसको, आपने बोला कि ये तुम नाम खराब कर रहे हो, ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, आपने क्या सोचा था कि हिंदुस्तान की छाती के ऊपर आप ट्रैक्टर चलाएंगे और ये लोग चुप रहेंगे यहाँ पे? कल अगर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, लीगल एक्शन होता है आपके खिलाफ, तो प्लीज हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड प्ले मत करिएगा कि हम बेचारे, आप बेचारे नहीं हैं, अब आप बेचारे 25 जनवरी तक थे, 26 जनवरी 12 बजे के बाद हिंदुस्तानी कोई ऐसा नहीं है जो आपको बेचारा समझता है। और ये जो पूरा एक बना के रखा है ना कि अन्नदाता हैं और कि हमें खिलाते हैं, अब लोग कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं साहब, देखिए देखिए सोशल मीडिया पे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे कहते हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ, द फार्मर्स आर डूइंग अस नो फेवर्स, वी पे देम, वी बाय द फूड दैट दे ग्रो, इट्स अ जॉब, इट्स अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर, लाइक अ कॉबलर, अ गोल्ड स्मिथ, एन आयरन स्मिथ, अ फैक्ट्री वर्कर, और फॉर दैट मैटर अ टीचर। ये एक कॉमेंट है, पच्चीस तारीख तक आप अन्नदाता थे, 26 तारीख को कुछ लोगों ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी, अब आपको देखना है कि आप इस रेपुटेशन को कैसे संभालेंगे। मुझे तो बहुत दुख हुआ, वो इमेजेस मैंने टेलीविजन पे देखी, मैंने 5 मिनट के बाद बंद कर दिया, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बंद कर दी। और आपको सोचना है कि ये क्या इसी तरीके से देश को ब्लैकमेल करना है क्या? तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, फिर पार्लियामेंट बंद कर देते हैं हम लोग अपनी, ये जो पार्लियामेंट है फिर बंद कर देते हैं, क्या फ़ायदा इसका? पार्लियामेंट की छुट्टी करते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी पूरा कैबिनेट है सबकी छुट्टी करते, सब लोग घर जाएं फिर आराम से, फिर आप लोग ट्रैक्टर गोल गोल घुमाएं यहाँ पे दिल्ली में, जोर जोर से गाने बजाएं आप इसके ऊपर, जो सबसे ज़्यादा भीड़ ले आएगा, जो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के लोगों के माथे पे पिस्तौल रख देगा उसका कानून चलेगा, है ना, नादिर शाह का कानून चलेगा फिर। और यही आप लोगों ने अलाउ करा है, आपने परमिट करा है, आपने इसकी अनुमति दी है कि नादिर शाह का कानून चले दिल्ली में, ये ट्रैक्टर लेके लाल किले में घुस गए और झंडा फहरा दिया, ये सब ये क्या है? ये आपने कभी सोचा कि इतनी इज्जत करते हैं आपकी, किसान है, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अभी भी बोलते हैं लोग जय जवान जय किसान। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये पूरी जो इतने कई सौ साल की, हजार साल की बनाई हुई जो रेपुटेशन थी, कुछ लोगों की वजह से आज वो मिट्टी में मिल गई। अब इसको दोबारा बनाना है दोस्तों, इस रेपुटेशन को। और अपने जो किसान भाई हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ, और विनती ये करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप जाइए सिंघू बॉर्डर पे, यूपी गेट पे ज़रूर जाइए, आपका हक है, लेकिन आप जो भी काम करिए संविधान के दायरे में करिए, जो भी काम करिए, गैर संवैधानिक असंवैधानिक काम आप मत करिए, क्योंकि इससे नाम खराब होता है, इससे बेइज्जती होती है आपकी, देश की नहीं आपकी, और हमें आपकी इज्जत का ख्याल है। आप बात करिए सरकार से, और जो कानून आपको पसंद नहीं है, आप सरकार पर प्रेशर डालिए, आप सरकार को बोलिए कि साहब ये कानून हमें पसंद नहीं, हटाइए इसको। अगर एमएसपी का मसला है आपका ना, आप कहते हैं कि एमएसपी का इशू है, तो सरकार से बोलिए कि हमें गारंटी चाहिए एमएसपी के ऊपर। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तीनों कानून हटा दो, तो फिर
ये सिलसिला कहां पे रुकेगा? 1947 के बाद जितने भी कानून हटे फिर ले आइए 10,000-5,000 की भीड़, घेर लीजिए कोई एरिया। मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा दिल्ली का बॉर्डर घेर लीजिए, हाय हाय करते रहिए, बस ट्रैक्टर ले आइए यहां पर, जो कानून वापस करना, फिर संविधान की भी क्या जरूरत है? हर काम अगर ब्लैकमेल से, दबाव से, गुंडागर्दी से, सर पे पिस्तौल रख के अगर उसका फैसला ऐसे ही होना है तो फिर ठीक है, फिर ऐसा ही सही, फिर आपकी मर्जी। तो देखिए, मैं तो आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि बातचीत करिए, बातचीत से हल करिए, सारे मसले हल हो सकते हैं, सारे मामले हल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बात बता दूं, आपने कभी एक बात नोट करी है? ये शाहीन बाग वाला मामला मैं आपको फिर समझाता हूँ आज। शाहीन बाग वाले मामले में हुआ क्या था, 23-24-25 तारीख की फरवरी की डेट थी पिछले साल की, 23-24-25 ट्रंप आया और ट्रंप चला गया। दिल्ली में जो फसाद हुए ट्रंप के आते आते बीच में हो गए वो, और ट्रंप के जाते जाते वो हफ्ते भर में ख़त्म हो गए। अचानक रातों रात शाहीन बाग गायब। शाहीन बाग खत्म कैसे हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग अचानक खत्म कैसे हो गया? वो तो 100 दिन से था, वहां पे बिरयानी भी बट रही थी, वहां पे पार्टी भी चल रही थी, लोग आ रहे थे, बॉलीवुड के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे आ रहे थे वहां पे, डायरेक्टर बड़े 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 हमारे NCR दिल्ली के जो मीडिया हाउस के लोग थे, पत्रकार जो आपके आपके बड़े करीबी थे, आपके दिल के, आपने उनको स्पेस दिया, वो आए वहां पे और वहां पे बैठे। जब मैं आप कहता हूं मतलब प्रोटेस्टर जो थे वहां पे, प्रोटेस्टर जो शाहीन बाग के थे, उन्होंने स्पेस दिया, लोगों ने, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आए अपना बिजनेस क्लास पे करके, टैक्सी में, एयर कंडीशन गाड़ियों में आए, वहां पे स्पीच दी, वापस 5-स्टार होटल में गए, नहा धो के वापस अगले दिन बंबई चले गए, भाई पूरे मीडिया में छा गए। शाहीन बाग गया क्या? और फिर उसके बाद ये झूठ फैलाया कि कोरोना के चलते शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज था शाहीन बाग का, कोरोना की वजह से खत्म, कोई कोरोना की वजह से खत्म नहीं हुआ। ट्रंप 23-24-25 शायद यही तारीखें थी जब डोनाल्ड ट्रंप आया था पिछले साल, आया फरवरी में और चला गया। ट्रंप के जाते 48 घंटे के अंदर शाहीन बाग के डेग वेग बिरयानी के सब उल्टे, तंबू अम्बू गॉन, जितनी भी ये बिल्किस दादी वगैरह, जितनी भी दादियां चाचियां मामियां थी, सब वहां से गायब, और एक बंदा नहीं था। और पहला लॉकडाउन कब हुआ? उसके 30 दिन के बाद, वही 23-24-25 मार्च को, यानी कि शाहीन बाग खत्म हो गया था फरवरी में, और एक महीने बाद कोरोना का पहला लॉकडाउन। तो ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि सब कोरोना के चलते चला गया है, कोरोना के चलते ये सब खत्म हो गया है यहाँ पे। लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ था, ये प्लान था, बाहर से पैसे आए थे तब जाके शाहीन बाग हुआ था। तो जो भी मेरे किसान भाई हैं जो ये समझते हैं कि ये जो आते हैं ना बीच में बॉलीवुड वाले जूते वूते पहन के अपने हीरो बन के और यहाँ पे 2 मिनट बैठ के चले जाते हैं फोटो खिंचवा के, इनको कोई लेना देना आपसे है नहीं, कोई प्यार मोहब्बत है नहीं, इनको लगता है कि नेशनल न्यूज़ में आ रहा है, हमारी भी पब्लिसिटी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं और चले जाते हैं। आप एक बात बताइए, मैं नाम नहीं लूँगा उस एक्टर का, एक्टर आया एक दिन बैठ के चला गया, उसके बाद उस एक्टर ने पूछा आपसे कि आपको ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, नहीं आया ना, वो चला गया फार शूटिंग करने के लिए, उसको क्या लेने देना आपसे। वो आया, उसने देखा कि 50-100 चैनल है यहाँ पे, इंटरनेशनल चैनल है, BBC से लेकर अल जजीरा से लेकर सब कवर कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के 100 चैनल हैं जो कवर कर रहे हैं। वो बीच में आया, सबको बाइट दी, हाथ वाथ हिलाया, पूरी अपनी फ्री में मुफ्त की उसने पब्लिसिटी ली, जिसके लिए उसको 10-15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, उसने फ्री की पब्लिसिटी ली और बाहर चला गया छुट्टी पे। वो करोड़पति अरबपति आदमी है, कोई मालदीव जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, सब छुट्टियां वुट्टियां अपनी मना रहे हैं, रईस लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनका काम ही यही है, आप लोगों को बेवकूफ बना के चले गए और यहाँ पे आप लोगों ने खालिस्तानियों को नहीं रोका। बहरहाल मैं पाकिस्तानियों से आखिरी चीज़ ये ख़त्म कर रहा हूँ ये, और एक पाकिस्तानियों को ये बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तानी काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे कि साहब खालिस्तान का झंडा लगा दिया लाल किले पर। अरे बेवकूफ़ों, तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हारा कौमी तराना फारसी में है, और जो तुम्हारा नोट है ना करेंसी का, उसके ऊपर तुर्की का झंडा है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। जब खुद की आइडेंटिटी ऐसी गड़बड़ रहती है, जब खुद की शनाख्त नहीं होती, तो उनको दूसरे में भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं बताता हूँ, वो जो झंडा लगा था ना, वो निशान साहब है, गुरुद्वारा साहब के ऊपर लगता है निशान साहब, और हर हिंदू और सिख उसके सामने माथा टेकता है, मेजर गौरावारिया भी उसके सामने माथा टेकता है, ठीक है। तो खालिस्तान का झंडा नहीं है, उसकी बेइज्जती मत करो, शर्म करो कुछ, वो निशान साहब है, वो गुरुद्वारा साहब के ऊपर लगता है, हर गुरुद्वारा साहब के ऊपर एक निशान साहब लगेगा, और तुम्हें भी उसके सामने माथा टेकना चाहिए, समझ गए। वो निशान साहब जो है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ सिखिज्म, एंड ऑल हिंदूज एंड ऑल सिक्स
दे बाउ डाउन बिफोर द निशान साहब, वो जो लगाया था निशान साहब था, खालिस्तान का झंडा नहीं था वो, तो झूठ मत फैलाओ। और जहाँ तक ये खालिस्तान बात करते हो सिखों के लिए जो हमदर्दी है, यार एक बात बताओ, अब तुमने सिख तो सारे मार दिए ना वहाँ पे, और तुम्हें ये निशान साहब क्यों नहीं समझ में आ रहे, क्यों नहीं पहचान में आ रहे? भाई नानकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को भगा के ले गए, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, है ना, कई सौ सिख लड़कियों को गायब कर दिया। तुम्हारे पाकिस्तानियों के ग्रूमिंग गैंग्स हैं, पढ़ो जरा ग्रूमिंग गैंग्स क्या करते हैं, सिख लड़कियों को, सिख लड़कियों के साथ ज्यादतियां करते हैं, उनका रेप होता है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा जाता है, ग्रूमिंग गैंग्स। और ये पाकिस्तानी से, ये तुम लोगों का किरदार है। फिर तुम कहते हो कि जी सिखों का बड़ा दर्द है, कोई दर्द नहीं है तुम्हारा, तुम लोग जानवर हो, ठीक है, यूर एनिमल्स। जो खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ना सुन्नी, जो बड़े यहाँ पे बंगड़े डाल रहा है कि जी मज़ा आ गया, यू ईट योर ओन, यू लाइक स्नैक्स, स्नैक्स ईट देयर ओन, खुद के जो बच्चे निकल जाता है, खुद के बच्चे चबा के खा जाता है, वैसी हरकतें आपकी। आप कहते हैं कि साहब सिखों के साथ बड़ी हमदर्दी है, सिखों की बेटियों को नहीं छोड़ा तुमने, सिखों की ज़मीनों को नहीं छोड़ा, उनके गुरुद्वारे तोड़ दिए, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, गुरुद्वारे तोड़ के प्लाजे बनाए उनके ऊपर, फिर बड़े सिखों की हिमायत बनते हो, कुछ तो शर्म करो। इसीलिए एयरपोर्ट्स पर तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वज़ीर आज़म के ऊपर कुत्ते छोड़े जाते हैं, उनकी पतलूनें उतारी जाती हैं, इसीलिए तुम्हारी कौम जो है जलील उखार होती है हर मोड़ पे। अब एक और वीडियो निकालेंगे हम, जिसमें पूरी पाकिस्तान की पतलून मैं उतारूंगा, एक एक पॉइंट देके और प्रूफ देके, सबूत देके। बहुत तुमने खुशियां मनानी ना, लाल किले में ट्रैक्टर चला गया, बड़ा मज़ा आ रहा है जी, अभी रुक जाओ, तुम बहुत जल्दी इतना बुरा जलील होने वाले। और वो जो वीडियो है डिफेंसिव ऑफेंस का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार देखने को आपको मज़ा आएगा, ये वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। और हम बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तान ने खुद को बेच दिया और किस तरीके से पाकिस्तान चीन के सामने लेट गया। हम आपको प्रूफ देंगे, हम आपको फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, एक एक चीज़ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा के फिर हम बताएंगे। आप कहते हैं ना भिखारी मुल्क है, नहीं, हम आपको सबूत देंगे कि क्यों भिखारी मुल्क है। जय हिंद।